नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज अपन चर्चा करेंगे नागरिकता की अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की अवधारणा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है अपना यूजीसी नेट के सिलेबस में, उसमें अंतिम टॉपिक है। इसके पहले मैंने सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक वीडियोज़ बनाए हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उसके बाद में अधिकार आ गया था, फिर लोकतंत्र और शक्ति, इनके ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा आपको कि बुक्स पढ़िए, बुक से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। ओपी गाबा की बुक आती है एनसाइक्लोपीडिया और पॉलिटिकल साइंस, बेटर देन बेस्ट है कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने के लिए। उसमें यहाँ तक कि जो कंटेम्प्रेरी नए कंसेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं नागरिकता की अवधारणा पर। इस वीडियो में अपन नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है, नागरिकता का विकास कैसे हुआ। नागरिकता के बारे में पांच सिद्धांत हैं, उन पांच सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। और कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो उस महत्वपूर्ण बात को भी अपन देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार इसको पॉज करके, और ये कुछ बुक्स के नाम हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं, इनको लिख लीजिए आप। ये इसमें आएंगे आगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये लिख लीजिए। TH मार्शल एक उदारवादी विचारक हैं, और इनकी बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, नागरिकता और सामाजिक वर्ग। रॉबर्ट नोजी के बारे में आप बेहतरीन जानते होंगे, नव उदारवादी विचारक हैं, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। इन्होंने नागरिकता का नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत दिया है। इनकी बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। फिर अपन बात करें एंथनी गिडेंस। गिडेंस मार्क्सवादी विचारक हैं, लेकिन मार्क्स इनके विचार थोड़े से अलग हैं। इनकी बुक है ए कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, और कुछ बातें उन्होंने बताई है अपनी दूसरी बुक प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी में। B.H. टर्नर जो कि एक मार्शल उदारवादी विचारक है और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं गिडेंस, लेकिन थोड़ा सा अलग है। और फिर अपन बात करें जो B.H. टर्नर, डेविड हेल्ड और हन्ना ओरेंट आएंगे इसमें। B.H. टर्नर, डेविड हेल्ड और हन्ना ओरेंट, ये नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत देते हैं। टर्नर की बुक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट आवर रिफॉर्मिज्म। डेविड हेल्ड की बुक है पॉलिटिकल थियोरी एंड मॉडर्न स्टेट। अब चलते हैं अपन नागरिकता के सिद्धांत पर। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। नागरिकता के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप एक लैटिन भाषा का शब्द है सिविस, इससे बना हुआ शब्द है। नागरिकता का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी शासन बनता है। राजनीतिक समुदाय, वर्ड समझिएगा, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है। राजनीतिक समुदाय कौन सा है? अब एक ऐसा समुदाय होता है जैसे अपन अपने देश के, भारत देश के राजनीतिक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में कोई घटना घटित होती है जैसे वहाँ पे कोई राजनीतिक मतदान हो रहा है, चुनाव लड़ना है, तो वो राजनीतिक समुदाय में अपन हिस्सा नहीं लेंगे। अपन वहाँ की सरकार की आलोचना यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी सरकार अपनी बात सुने। पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है पूर्ण रूप से, यानी अपन मतदान दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उम्मीदवार को चुनाव लड़वा सकते हैं, और उत्तरदायी हैं अपन अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। और ऐसा समझे तो प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक होता है। ये व्यक्ति की अवधारणा है, इसमें यह है नागरिक, ये नागरिक है, उसमें ये व्यक्ति। विदेशी यदि कोई भारत में आएगा तो अपने देश के लिए एक व्यक्ति है, अपन दूसरे देश में जाएंगे उस देश के लिए अपन व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति अपने देश का एक नागरिक अधिकार होता है, उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता के दो प्रकार हैं, औपचारिक नागरिकता और तात्विक नागरिकता। औपचारिक नागरिकता जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जैसे नॉर्मली
कई कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको सदस्यता दे देते हैं कि आप उनके लिए नागरिक हैं, लेकिन वो मतदान का ही अधिकार नहीं देते हैं। हाँ, नागरिक हैं आप, उनके राष्ट्र राज्य में रह सकते हैं, वो औपचारिक नागरिकता है। एक है तात्विक नागरिकता। तात्विक नागरिकता वो है जहाँ पर आपको उस देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जैसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अगर अपने देश का जैसे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भारत के नागरिकों को दिए जाएंगे, दूसरे देश का कोई गरीब व्यक्ति यहाँ जाएगा तो उसे वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे। यह है तात्विक नागरिकता। विशेषता क्या होती है नागरिकता की? तो नागरिकता राज्य का अनिवार्य अंग होता है। राज्य की सदस्यता और कानूनी मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है नागरिकता के लिए। राज्य का अनिवार्य अंग, देखिए राज्य के चार अनिवार्य अंग होते हैं तब किसी को राज्य का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले राज्य उसे कहा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में राज्य कहा जाता है किसी देश को। और राज्य का दर्जा तब दिया जाता है, स्टेट उसे तब कहा जाता है, पहली बार जो स्टेट शब्द का प्रयोग मेकियावली ने किया था, जब उसके पास में खुद का भूभाग है, एक निश्चित जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, उसके पास में खुद की सरकार है शासन संचालन के लिए, और सबसे बड़ी बात कि उसके पास में संप्रभुता होनी चाहिए। हांगकांग चाइना के अंडर में है, वो अपने आप को एक राज्य की मांग देने के लिए बार बार आंदोलन करता है कि राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पास में संप्रभुता नहीं है, उसकी संप्रभुता चीन के पास में है। राज्य की सदस्यता और कानूनी मान्यता आवश्यक होती है नागरिकता के लिए। नागरिक उसे ही कहा जाएगा जिसे राज्य की सदस्यता दी गई है और कानूनी रूप से उसे मान्यता मिलनी चाहिए। नागरिकता की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी होती है। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? राज्य के नागरिक सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करते हैं, कर्तव्य का भी पालन करना होता है। कर्तव्य कौन से हैं? ये वाले कर्तव्य भी है ही, इसके अलावा जैसे कर देना, सरकार की आलोचना करना, ये भी कर्तव्य में ही आता है जो अपने संविधान में नहीं है। नागरिकता एक प्रगतिशील विचारधारा है, ये बदलती रहती है, प्रगतिशील है, विकासवादी है, समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे अरस्तु के टाइम पर, यूनानी राज्यों के समय पर, नगर राज्यों के समय पर नागरिकता दी जाती थी, लेकिन किन्हें दी जाती थी? ऐसे पुरुषों को नागरिकता दी जाती थी जो दास नहीं है, महिलाओं को नागरिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन धीरे 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 विकास हुआ है नागरिकता, आज देश का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक है, कॉन्सेप्ट बदल चुका है। तो नागरिकता एक प्रगतिशील विचारधारा है। आगे देखते हैं अपन। नागरिकता का संबंध लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य से है, नागरिकता का संबंध कानून के शासन से है। फिर बात करते हैं नागरिकता का विकास कैसे हुआ, नागरिकता का विकास किस। पहले अपन बात करते हैं प्राचीन यूनानी सभ्यता की। प्राचीन यूनानी सभ्यता में शासक वर्ग का विशेष अधिकार था और सभी लोगों को नागरिक नहीं माना जाता था। मैंने आपको बताया नागरिक किसे माना जाता था, केवल ऐसे पुरुष नागरिक है जो कि दास नहीं है। दास वो होते थे जिन्हें किसी प्रदेश से जीत करके लाया जाता था, उन्हें गुलाम बना करके रखा जाता था। महिलाओं को नागरिकता नहीं थी। रोमन साम्राज्य में भी जो सत्ताधारी वर्ग था उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। युद्ध में पराजित लोगों और महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखा गया। महिलाओं को पहली बार जब मताधिकार की बात आएगी तो 1878 में न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार दिया था, अमेरिका ने दिया 1920 में, ब्रिटेन ने दिया 1928 में, फ्रांस ने 1945 में, भारत ने जब लागू हुआ था संविधान तभी से महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया है। यदि सन पूछ ले तो 1950 में दिया था। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल में देखिए चर्च की सत्ता का आदेश होता था, चर्च की सत्ता सर्वोपरि थी, धर्म सर्वोपरि हो चुका था। मध्ययुग में राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का वर्चस्व था, यानी राजा भी इसी के अंडर में आता था। ये वो दौर था जब हीगल जैसे विचारक हुए जिन्होंने ये कोटेशन दी कि राजा ईश्वर का अवतार होता है, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार, राजा धरती पर ईश्वर का अवतार है, उसके आदेशों को मान लिया जाना चाहिए। युद्ध राज्य में निखार लाने के लिए आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, ऐसी ऐसी नई नई कोटेशंस दी। तो धार्मिक सत्ता का वर्चस्व था और नागरिकता का विचार लगभग समाप्त ही हो गया था। लेकिन जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण के बाद
धार्मिक सत्ता का पतन हो गया, तब आधुनिक युग में मैकियावेली ने इसे सबसे पहले आगे बढ़ाया। फिर इसे हैरिंगटन और मिल्टन ने इसको और ज़्यादा नागरिकता के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया। तो मैकियावेली, हैरिंगटन, पहले अपन ने बात की यूनानी नगर राज्य की, फिर उसके बाद में रोमन साम्राज्य, उसके बाद में पुनर्जागरण, मैकियावेली आ गया, हैरिंगटन आ गया, उसके बाद में मिल्टन। रूसो ने नागरिकता और व्यक्ति में भेद किया है, रूसो ने नागरिकता और व्यक्ति में भेद किया है, सॉरी। रूसो ने नागरिकता और व्यक्ति में भेद किया है। वोल्टेयर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है। एक न्यूज़पेपर आता है राजस्थान पत्रिका, उसमें एडिटोरियल पेज पर ऊपर ही ऊपर एक बात लिखी हुई आती है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके विचार रखने की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करूँगा, उसका सम्मान करूँगा। तो वोल्टेयर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, वोल्टेयर ने नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में इंग्लैंड में हुई थी, गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है, वहाँ के शासक ने खुद ही ये कह दिया था कि आज से संसद का कानून रहेगा, विधि का शासन होगा, मैं भी संसद के अंडर में आऊँगा, मैं भी कानून के अधीन आऊँगा। तो पहली बार बिना कोई खून खराबे के मतलब वहाँ पे राजा ने अपना पद छोड़ दिया था। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति कही जाती है, 1688 में हुई थी इंग्लैंड में, यहाँ पर भी नागरिकता का विचार लोकप्रिय हुआ। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में इस विचार को आगे बढ़ाया। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने इस विचार को आगे बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने से इस अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ। आगे आते हैं नागरिकता के सिद्धांत। नागरिकता के सिद्धांत में अपन पहला सिद्धांत देखते हैं, उदारवादी सिद्धांत। नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत देने वाला विचारक है मार्शल। मार्शल ने बहुत ही विस्तृत तरीके से इसकी व्याख्या की है, मैंने जो बुक आपको बताई है उसमें आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मेरी अप्रोच यही है कि आप जब किताब पढ़ें तो एक तो किताब आपको समझ में आने लग जाए, दूसरी कि आपकी एक रूटीन बन जाए, आपको ये पता हो कि हमारे सिलेबस में, क्योंकि कहीं पर भी सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी पूरी चीज़ समझाना, बाकी मेरा प्रयास ये है कि टॉपिक आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, आपको बुक से पढ़ाऊँगा। चलते हैं अपन उदारवादी सिद्धांत पर। इस सिद्धांत को नागरिकता का विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। विकासवादी मतलब ये सिद्धांत ये मानता है कि नागरिकता का विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है, एकदम से जो आज अपन नागरिकता देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एकदम से नहीं आया, तो ये विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार नागरिकता का आधार अधिकार है, नागरिकता का आधार अधिकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। नागरिकता का जो बेस है ये अधिकार है, और जब अधिकार मिलते हैं तो अधिकार के माध्यम से व्यक्ति आपस में सहयोग को बढ़ाता है। और ये भी मानते हैं कि अधिकारों नागरिकता का निरंतर विकास हुआ है, इसीलिए इस सिद्धांत को विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार नागरिकता का आधार अधिकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये भी मानते हैं कि अधिकारों नागरिकता का निरंतर विकास हुआ है, इसलिए सिद्धांत को नागरिकता का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। आगे आइए, नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। स्वेच्छातंत्रवादी और नव उदारवादी कह दो इनको, एक ही बात है। इसके बारे में पहले की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से चर्चा की है मैंने, जब स्वतंत्रता पढ़ाई थी उसमें भी बहुत अच्छे से बताया था। नागरिकता का जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है ये रॉबर्ट नॉजिक द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट नॉजिक की बुक मैंने आपको लिखा दी है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक का मानना है, देखिए यदि आपने नहीं समझा तो एक बार समझ लीजिए, स्वेच्छातंत्रवादी नव उदारवादी को, ये ऐसे विचारक हैं जो ये कहते हैं कि राज्य का कार्य केवल सुरक्षा करना है राज्य का, कि वो नागरिकों की सुरक्षा करेगा, सुधारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि जब न्याय की बात आती है तो ये कहते हैं कि व्यक्ति खुद ही अपना विकास कर लेगा, किसी को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, किसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कि आप उसको कुछ विशेष रियायतें दे रहे हैं,
ये मानना है। यानी स्वतंत्रवादी आधुनिक युग में है लेकिन बातें करते हैं परंपरावादी समय की। तो नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के बातें करते हैं परंपरागत उदारवाद की, परंपरागत उदारवाद के समय की बातें करते हैं, इसलिए इनको नव उदारवादी कहा जाता है। नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है, ये मानते हैं कि नागरिकता मिली है, इस नागरिकता में क्या हुआ है, स्वतंत्र चयन है, व्यक्ति की मर्जी पे था किसे नागरिकता लेनी है कि नहीं लेनी है, स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है, एक अनुबंध हुआ है किसके बीच में, सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में, कि आपका काम ये की है कि आप हमारे, एक ही काम है कि आप हमारे, तो अनुबंध का परिणाम है, यानी राज्य का एक ही काम है कि हम आपको मत दे रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा करेंगे बस। इसके अनुसार जो वस्तुएं बाजार व्यवस्था से प्राप्त नहीं होती हैं वे नागरिकता से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे मत देने का अधिकार। बाजार व्यवस्था यानी खुली प्रतिस्पर्धा जो है उसमें जो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं वे नागरिकता से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे मत देने का अधिकार। ये मानना है स्वतंत्रवादी विचारक नोजिक का। फिर आते हैं समुदायवादी विचारक। नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत समर्थक है माइकल वॉल्चर, हन्ना ओरेंट, बेंजामिन बारबर। समुदायवादी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि राज्य में व्यक्ति अकेला अपना विकास नहीं कर सकता है, राज्य में अकेला व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए पूरे संगठन की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है, समुदाय की जरूरत होती है। ये परस्पर हितों पर कार्य करते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये मानता है समुदायवादी सिद्धांत। अब नागरिकता के बारे में क्या कहते हैं माइकल वॉल्चर, हन्ना ओरेंट, बेंजामिन बारबर, इसके प्रमुख समर्थक है। ये सिद्धांत आया ही स्वतंत्रवादी सिद्धांत के विरोध में है। वो स्वतंत्रवादी कह रहे हैं व्यक्ति अपना विकास खुद ही कर लेगा, एक अनुबंध है नागरिकता, एक अनुबंध है राज्य के बीच में और सरकार के बीच में, खुली बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित है, खुली बाजार प्रणाली पर आधारित है। तो इसके विरोध में ये देते हैं, इसे गणतंत्रवादी सिद्धांत कहा जाता है। समुदायवादियों के अनुसार नागरिक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और समाज का भावी स्वरूप निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी परस्पर मिलकर के काम करते हैं, ये निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, ये राजनीतिक वाद विवाद करते हैं जिसे तर्क के आधार पर एक उचित निष्कर्ष निकल करके आता है। अतः नागरिकता का मूल सिद्धांत सहभागिता है, जबकि वो क्या कहना है, नागरिकता का मूल सिद्धांत अनुबंध पर आधारित है, ये कहते हैं सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है, न कि अनुबंध के सिद्धांत पर, न कि खुली बाजार प्रतिस्पर्धा के आधार पर, बल्कि सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अपन बात करते हैं नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके प्रमुख समर्थक हैं एंथनी गिडेंस। गिडेंस वैसे तो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, इनकी बुक है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। थोड़े से विचार इसके मार्क्स से हट करके है, ये सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में आया है। हमेशा मार्क्सवादी उदारवादियों के विरोध में ही बात करेंगे, क्योंकि मार्क्स के बारे में एक बात आपको पता है कि वर्ग संघर्ष मानते हैं, वर्ग संघर्ष की समाप्ति पूंजीवाद पूंजीपतियों के अंत से होगी, यानी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, जबकि उदारवाद आया ही पूंजीवाद को बचाने के लिए है। उदारवाद और पूंजीवाद दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि मार्क्सवाद और पूंजीवाद आपस में विरोधी हैं। तो नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में आया है। नागरिकता की अवधारणा वर्ग संघर्ष का परिणाम है, हर जगह पर वर्ग संघर्ष ही बोलते हैं, तो नागरिकता की अवधारणा वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इस वर्ग संघर्ष व्यवस्था में कोई वर्ग अपने प्रतिद्वंदी वर्ग का दमन कर देता है और जो अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी जो पावरफुल रहेगा, जिसके पास में शक्ति है, शक्ति किसके पास में, पूंजीपतियों के पास में, तो वर्ग संघर्ष व्यवस्था में एक वर्ग होगा जो अपने प्रतिद्वंदी वर्ग का दमन करके अधिकार प्राप्त कर लेता है, वो नागरिकता का आधार है। यानी वर्ग संघर्ष का परिणाम नागरिकता है मार्क्सवादियों के अनुसार। आगे ये कहते हैं ये सिद्धांत पूंजीवादी भावना के विपरीत है, क्योंकि श्रमिक आंदोलन के कारण पूंजीवादी राज्य के चरित्र में परिवर्तन आया है और श्रमिकों को अधिकाधिक अधिकार भी दिया जा रहा है। ठीक है, पूंजीवादी भावना के विपरीत है, पर ये कहा जा रहा है, इसकी आलोचना है कि जब श्रमिक आंदोलन हुए तो
तो पूंजीवादी राज्य के चरित्र में परिवर्तन आया, यानी राज्य ने नए नए कार्य किए, लोक कल्याणकारी कार्य करने लग गए राज्य, और श्रमिक जो हैं उनके लिए अधिकाधिक व्यवस्थाएं की जाने लगी, उनको स्वास्थ्य जैसी, उनके बच्चों की एजुकेशन जैसे अधिकार उनको दिए जाने लगे कंपनियों के द्वारा, उनको अलग से फंड दिया जाने लगा, हॉस्पिटलाइजेशन यदि होता है तो उसमें उनको इंश्योरेंस दिया जाने लगा, PF पेंशन इनके प्रावधान किए जाने लगे, तो और भी अधिकार इनको दिए गए हैं, श्रम कानून आने लग गए। फिर अंतिम नागरिकता का सिद्धांत अपना बहुलवादी सिद्धांत। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत समर्थक हैं डेविड हेल्ट। इस सिद्धांत के अनुसार बहुलवादी भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप देख लेना पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने समझा रखा है बहुलवाद के बारे में, बहुत ही बढ़िया समझा रखा है। ये वास्तव में सिद्धांत आया था संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विपरीत, और ये कहा था कि संप्रभु कोई तानाशाह नहीं है, सारी पावर उसके अंदर नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता विकेंद्रित रूप से विद्यमान होती है। विकेंद्रीकरण कैसे होता है कि एक जो समाज है, सोसाइटी है, छोटे छोटे संघ संगठन होते हैं, वो भी राजनीति को, संप्रभु को प्रभावित करते हैं, वो कोई नियम कानून बनाते हैं, तो ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी संगठन के विपरीत हो, संगठन का दबाव रहता है। लेकिन नागरिकता के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। डेविड हेल्ड प्रमुख विचारक हैं इसके, और बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का विकास बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में हुआ है। बहुआयामी कैसे, अपन नागरिकता में एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ऊपर कि नागरिकता अधिकार और कर्तव्य से संबंधित अवधारणा है। इनका मानना है कि केवल अधिकार कर्तव्य से संबंधित अवधारणाएं नहीं है, बल्कि और पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। जैसे नारीवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, पर्यावरणवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, अपने सिलेबस में ही है, पारिस्थितिकवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, बहुसंस्कृतिवाद आ गया, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार आ गए, तो और भी नई नई चीज़ें, नई नई अवधारणाएं आ गई हैं, तो उनसे भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है क्योंकि जिस अधिकार और कर्तव्य की आप बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है, ये कहना है बहुलवादियों का। ये नागरिकता के सिद्धांत थे, ये कंपैरिजन है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये पॉपी गाबा की बुक से ही लिया है मैंने, और बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए, इसको एक जगह पे उतार भी लेना, ठीक है, देख लेना आप इसको पहुंच करके एक बार कि ये लिबरल उदारवादी क्या कहते हैं, स्वेच्छातंत्रवादी क्या कहते हैं, समुदायवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी, ये एक जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नागरिकता के ऊपर वीडियो था। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो अवधारणाओं का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है इसी में फर्स्ट यूनिट में ही वो परंपराएं हैं जिसमें अपन उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।